आज हमारे साथ मैडम है। इनका सक्सेसफुली फैमिली रियूनियन का वीजा आया है। कंट्री का नाम है जर्मनी। इन्होंने हमें संपर्क किया था, इनकी हमने पूरी हेल्प करके दी है, उसमें इनकी अपॉइंटमेंट लेकर दी थी, फाइल पर प्रेयर करके दी थी। तो इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है, और साथ में इनके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, और अगर आपका भी फैमिली रियूनियन का केस है जर्मनी से रिलेटेड, तो इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको भी इसके बारे में पता हो, जो भी कॉम्प्लिकेशन आती है कि उसको कैसे हैंडल करना। मैडम, मैं सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस मीटिंग में, तो मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार। थैंक यू सर, तो मैडम, थैंक यू सर। सबसे पहले मैं ये पूछूंगा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पंजाब से डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर की रहने वाली ठीक है, तो आपने हमें कहाँ से संपर्क किया था क्राउन इमिग्रेशन को? जी। मेरे हस्बैंड बाहर जर्मनी में है, उन्होंने मुझे आपका इमिग्रेशन के बारे में बताया था। ठीक है, ठीक उन्होंने ये अपॉइंटमेंट जो है दी थी लेके ठीक तो जी। आपने जब हमें संपर्क किया, कोई आपने हमारी कोई वीडियोस देखी हो हमारे चैनल के ऊपर, या यूट्यूब चैनल देखा हो हमारा कभी देखा? जी मैंने यूट्यूब पे आपके क्राउन इमिग्रेशन की बहुत सारी वीडियोस देखी है। ठीक, उनका कैसा फीडबैक है? बहुत अच्छा, मैंने देखती हूँ आप व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे स्टेटस वगैरह डालते हो वीजे के। ठीक। तो जी आपका जी आ, आ, आपने अपनी A1 कहाँ से सीखी थी मैडम? एवन मैंने गायत्री इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ से की थी ठीक। तो उसको सीखने के बाद जी। हमसे आपने क्या क्या सर्विसेज ली थी क्राउन इमिग्रेशन से? आपने जी सर, क्राउन इमिग्रेशन से आपने क्या क्या सर्विसेज ली थी? आपने A1 तो सीखी हुई थी, तो हमने आपकी क्या क्या हेल्प करके दी थी इस जर्मन के फैमिली रियूनियन वीजा में? आपने मेरी फाइल जो है बनाने में, आपने डॉक्यूमेंट्स को लगाने में हेल्प की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉइंटमेंट लेके दी, तो नेक्स्ट मेरी जो नेक्स्ट जो स्टैम्पिंग अपॉइंटमेंट थी वो भी आपने लेके ठीक। तो आपकी जो दी। वीजा स्टैंपिंग थी वो उन्होंने बाई हैंड करके दी है, या आपने सबमिट करवाया था BFS को? क्या हुआ था उसमें अभी लास्ट में? बाय हैंड 1.5 घंटे के बीच बीच में उन्होंने पासपोर्ट दे दिया था। मतलब आप अम्बेसी डायरेक्टली गए थे? अम्बेसी गए थे डायरेक्टली? मैंने वैसे जी जी डायरेक्टली एम्बेसी गई थी, उन्होंने बाई हैंड 1-2 घंटे में पासपोर्ट दे दिया स्टैम्पिंग करके। ठीक है, तो अभी ये देखिए कि कैसा केस है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं फैमिली रियूनियन के, नॉट इन जर्मनी। इवन मैंने 2-3 दिन पहले ऑस्ट्रिया के फैमिली रियूनियन केसेस के ऊपर अपनी वीडियो डाली थी। हमारे दो चैनल हैं, दोनों चैनलों के ऊपर हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वीडियोज आती रहती हैं। अगर आप हमारे दोनों चैनलों को फॉलो करते हैं तो आपको इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोज ऑलवेज देखने को मिलेगी। तो हमारा जो क्राउन इमिग्रेशन है, जहां पर भी हमारा, आपको मैडम ये मालूम है कि हम भी जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं यहाँ पे? सर बाद में मुझे पता चला था, पहले नहीं मुझे पता था जी। तो जब कोई बात आपने मैंने वीडियोस देखी क्रॉन के इमिग्रेशन के लिए, तो तब मुझे पता चला था ठीक। तो अभी ये देखिए कि जी। हमारा अपना फुल फ्लेज जर्मन लैंग्वेज का सेंटर है। हम अब यहाँ पर A1 से लेकर B2 तक बच्चों को स्टडी प्रोवाइड करते हैं। A1 के लिए फैमिली वाले केसेस भी सीखते हैं, इवन हॉबी पर्पस के लिए भी सीखते हैं, इवन वीजा पर्पस के लिए भी सीखते हैं। इवन हम जर्मन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को वहां की एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं, जहां पर एंटायर स्टडी फ्री है। इवन ऑसबिल्डिगो प्रोग्राम में भी हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को जर्मन के अंदर भेजते हैं। तो ये फैमिली रियूनियन का केस था मैडम का, इनके हस्बैंड ऑलरेडी जर्मनी के अंदर हैं। उन्होंने हमारी बहुत सारी वीडियोज जर्मन से, क्या पूरे वर्ल्ड से हमारे चैनल को देखा जाता है, उन्होंने हमारी वीडियोस देखी। देखने के बाद उन्होंने अपनी वाइफ को बताया, इन्होंने हमें अप्रोच किया, इनकी वीजा अपॉइंटमेंट लेकर दी, इनकी फाइल प्रिपेयर करवा कर दी, इनकी वीजा अप्रूवल इनकी ईमेल के ऊपर आई। वीजा अप्रूवल आने के बाद इनको एक प्रायर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है वीजा सबमिशंस के लिए, पासपोर्ट सबमिशंस के लिए, BFS के लिए। उसमें भी इनको दिक्कत आ रही थी, इन्होंने फिर हमें संपर्क किया, उसमें भी हमने इनकी हेल्प करवा कर दी है। और मैडम ने खुद बताया है कि इनका वीजा बाय हैंड स्टैम्प्ड हुआ है। इनको अपना पासपोर्ट जब इनकी अप्रूवल आ गई थी, BFS में जमा नहीं करवाना पड़ा था,
इन्होंने अपना जो पासपोर्ट है डायरेक्टली एम्बेसी के अंदर इमिग्रेशन करवाई और एम्बेसी ने अच्छा आवर्स के अंदर इनका वीजा स्टैम्प करवा कर दिया है। तो ऐसे जो टेक्निकल केसेस हैं, अभी हमें मालूम है ना, अभी हमें मालूम है कि इनके कौन से वहां के इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट इनकी फाइल के साथ लगाने थे। तो मैडम जब आपने फाइल एम्बेसी के अंदर जमा करवा दी थी उसके बाद कितना टाइम लगा टोटल? सर 8 मंथ लगे थे। 8 मंथ के बाद मुझे उन्होंने वीजा दिया। वीजा दिया जी वीजा, लेकिन अपॉइंटमेंट लेने में कितना टाइम लगा ये बताइए, अपॉइंटमेंट लेने में। अपॉइंटमेंट मैंने 3 महीने लग गए थे, 3 महीने के बाद के मिली थी अब ये वीजा। देखिए कि अपॉइंटमेंट में 3 मंथ 2 मंथ दो दो महीने लगते हैं। अगर आपको अपॉइंटमेंट में कोई दिक्कत आ रही है, फाइल प्रिपेयरिंग में दिक्कत आ रही है, A1 सीखने में कोई दिक्कत आ रही है, तो क्राउन इमिग्रेशन के पास हर एक चीज का सोल्यूशन है, आपको हम गाइड कर सकते हैं। तो आपका इंटायर जो एक्सपीरियंस है हमारे स्टाफ के साथ या हमारी कंपनी के साथ कैसा रहा मैडम? बहुत अच्छा रहा, बबली मैम ने मुझे बहुत गाइड किया, मुझे भी बहुत हेल्प की थी स्टैम्पिंग अपॉइंटमेंट के लिए, तो ठीक है। मैं इनका थैंक यू करना चाहती हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि हम कभी आपको कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स ना करते हो, अगर जब भी आप हमें कांटेक्ट करते हो, या हम नहीं आप कोई ऐसा, कभी हमने आपकी कोई चीज हाइड करते हो, या आपके ईमेल को आपके साथ शेयर ना करते हो, या आपकी सारी कॉरेस्पॉन्डेंस जो मैसेज के साथ हो रही है आपसे डायरेक्टली हो रही थी या हमारे साथ हो रही थी? डायरेक्टली एम्बेसी के साथ ही हुई थी, लेकिन गाइड मुझे बबली मैम ने किया था कि ऐसे ऐसे करो। तो तो आप भी अपनी ईमेल को एक्सेस करते थे कि नहीं करते थे, जो आपको ईमेल क्रिएट बना कर दी थी जिसमें आपका वीजा अप्रूवल आता था या कुछ ऐसा? जी वही कह रही हूँ, बबली मैम ने मुझे गाइड किया था, ठीक है। तो वही मैं ईमेल जो एम्बेसी को भेजती थी उनके तो रिप्लाई आता था फिर। ठीक, तो अभी वीजा की है आपके पास वीजा पासपोर्ट या घर में पड़ा है? नहीं सर, घर में पड़ा, मैं कहीं बाहर हूँ। तो अभी कब ट्रेवल करने वाले हैं मैडम फिर आप? 10 अप्रैल को। तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा फिर? बहुत अच्छा रहा, एक्सपीरियंस रहा आपके स्टाफ के साथ, बहुत अच्छे हैं गाइड ठीक, तो किसी करते। और को रिकमेंड करना चाहेंगे? जी सर, जो मेरे सराउंडिंग में होगा ऐसा केस तो मैं आपके बारे में जरूर बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू जी। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये एक सक्सेस स्टोरी थी, मैडम ने बता दिया कैसा एक्सपीरियंस रहा है। अगर आपने भी अपना कोई फैमिली रीयूनियन, कोई टूरिस्ट, या अपना कोई स्टूडेंट वीजा किसी भी कंट्री का अप्लाई करना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू मैडम, आपका धन्यवाद, आपने इतना हमें थैंक हेल्प। यू। थैंक यू, धन्यवाद।